आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से बातचीत हुई थी कि मैं किसी चीज पे रोक लगाना चाह रहा था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव स्ट्रीम को। आप जानते होंगे महाराजगंज से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं रणधीर सिंह। तेजस्वी यादव ने जब नामों का ऐलान किया था उसके बाद से ही रणधीर सिंह क्षेत्र में निकल चुके हैं। हालांकि दावे बहुत किए जा रहे हैं कि रणधीर सिंह पहले से ही काम कर रहे हैं क्षेत्र में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर सिंह, आप जानते होंगे रणधीर सिंह जी के भाई हैं। सर, किस तरीके का क्षेत्र में अभी असर दिख रहा है आपको? निश्चित है कि सबसे पहले तो लाइव सिटी को मेरे तरफ से धन्यवाद है। क्षेत्र में असर दिख रहा है मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के विकास कामों को लेकर, और खास करके जो हमारा प्रत्याशी रणधीर सिंह जो है वो नौजवान है और नौजवानों में एक ललक है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से बातचीत हुई थी हमारी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह टिकट महाराजगंज में आपके परिवार पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के परिवार उनके लड़के रणधीर सिंह को जाएगा और वह टिकट दिए हैं। और हमें मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी खुद दुख के घड़ी में हैं, तो दुख के घड़ी में निश्चित है कि हमारे बड़े पिताजी प्रभुनाथ बाबू जेल में हैं, तो निश्चित है कि वो दुख समझते। बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में, बहुत सारे लोग जदयू में भी हैं कि बीजेपी में देखिए अब परिवार के बात की बात कर रहे हैं, तो देखिए अमित शाह के बेटे भी राजनीति में हैं, राजनाथ सिंह के बेटे भी राजनीति में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में हैं अभी बीजेपी। अच्छा, में। आपका मकसद क्या है, विकास करना या विरोधियों का जवाब देना? हमारा मकसद है महाराजगंज का जो मेरे बड़े पिताजी के रीजन में जो विकास हुआ था वह विकास कहीं ना कहीं धरातल पर रुक गया था, और उस विकास को रणधीर के द्वारा उस विकास महाराजगंज का विकास करना, न कि विरोधियों को रोकना और विरोधियों को परेशान करना। अच्छा, जनार्दन सिंह जी सामने होंगे आपके सामने, क्या लगता है फाइट कड़ी होने वाली है, क्या परसेंटेज है आपका जीत का? कहीं से भी कोई फाइट महाराजगंज में नहीं है, महाराजगंज में एक ही नाम गूंज रहा है रणधीर सिंह। और जनार्दन सिंह सिग्रवाल जी के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों को उनकी कार्यशैली पर ध्यान देना चाहिए, उनकी कार्यशैली कैसी रही है, उन्होंने जो महाराजगंज के लिए क्या किया है मुद्दा ये रहना चाहिए। मुद्दा महाराजगंज में अभी जो एक हाफिजपुर कॉलेज है, हाफिजपुर में 3,17,00,000 का घोटाला हुआ है, जिस घोटाले का उद्भेदन महाराजगंज बीजेपी के एमएलए सजिदानंद राय जी ने किया था और उसमें चार्जशीट भी हो गया है, तो मुझे तो लगता है कि महाराजगंज का बीजेपी प्रत्याशी चोर। अच्छा, आने वाला समय आपको तो ये तो लेकिन लग रहा होगा ना कि जिस तरीके से हवा चल रही है, क्योंकि 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, कहीं ना कहीं रणधीर सिंह को इससे तो नुकसान होने ही जा रहा है वोट में। नहीं, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। स्वर्ण की बात महाराजगंज में देखिए, महाराजगंज में स्वर्ण जो है वही हमारे वोटर हैं, हमारे बड़े पिताजी के मददगार रहे हैं, और शुरू से ही स्वर्णों के बल पे ही हम लोगों ने राजनीति किया था और राजनीति करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि स्वर्ण हमारे पक्ष में नहीं है। नौजवान आप देख रहे होंगे, बहुत सारे मीटिंग देख रहे होंगे, स्वर्ण के लोग ही नौजवान लड़के जो हमारे मीटिंग में दिख रहे हैं, बाकी जमात का भी समर्थन मिलता है। मैं एक बात जरूर जोर देकर कहना चाहूँगा, देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुँह से राजपूत बुंझार और लाला और पंडित का विरोध करते हैं, बल्कि कागजती तौर पे मुझे कोई भी प्रूफ करके दिखा दे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी दोनों राजपूतों का विरोध किया हो, बुंझारों का विरोध किया हो, या किसी का विरोध किया, विरोध नहीं किया, लेकिन आरक्षण तो उन्होंने दे दिया 10% का। आरक्षण का तेजस्वी जी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया था, तेजस्वी जी ने सिर्फ कहा था कि जो तरीका है, जो जुमलेबाजी का तरीका है उसका विरोध किया था, यह लालच जो दिया गया है इस लालच का विरोध किया था कि ऐसे लालच में लोग भरमाए नहीं, अगर आरक्षण देना ही है तो सभी को सामान्य दिया जाए, इसके लिए तेजस्वी जी ने कहा था, ना कि उसका विरोध किया था कि स्वर्ण को आरक्षण ना मिले। अच्छा, एक सवाल, कहीं ना कहीं भाई की जो छवि है, सुधीर सिंह की बात कर रहे हैं अब हम, भाई की छवि कहीं ना कहीं रणधीर को मदद कर रही है, निश्चित है कि भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे होंगे आप तक, किस तरीके से रणधीर सिंह और सुधीर सिंह जहाँ जहाँ सभाओं में जा रहे हैं वहाँ वहाँ भीड़ आ रही है। आपके वो जो एक अभियान चला था अश्लीलता को हटाओ, वो अभियान अब कहाँ है? निश्चित है कि मैं सारण में हमेशा नौजवानों के बीच में रहा हूँ, लगभग अठारह साल मैं नौजवानों के साथ रहा हूँ। सारण के अनेक हिस्से में जाकर मैं खेल प्रतियोगिता से बहुत ज़्यादा जुटा हुआ लोग हूँ, और सारण के हर कास्ट के बच्चे, हर जमात के लड़के मेरे साथ खड़े रहते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी रणधीर के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और हौसला दे रहे हैं। चलिए, आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, और सुधीर सिंह तैयार हैं अपने भाई रणधीर को जिताने के लिए। आने वाले समय में महागठबंधन की जो ये लहर चल रही है, ऐसा कहना है महागठबंधन के नेताओं का, क्या इस लहर में सुधीर सिंह पार कर लेंगे अपनी नाव को, या फिर
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर से परचम लहराएंगे भाजपा का। लाइव स्ट्रीम देखते रहे आप, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।